अनुशक्ति नगर के प्रत्याशी और एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक ने 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। जीतने के बाद उन्होंने इस जीत का श्रेय एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को दिया। मन से आभार मानता हूँ, उन्होंने मुझे पुनः विधानसभा में भेजकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया, मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और जो हमारे मित्र पक्ष हैं उनके कार्यकर्ताओं का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके ये विजय को निश्चित करने का काम किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, कह रहे थे कि महाराष्ट्र में विपक्ष है नहीं, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि विपक्ष है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ताकत से लड़ी, विपक्ष ताकत से लड़ा, लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति के कारण परसेप्शन बनाया गया था। महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, सारे गुंडों का इस्तेमाल, सत्ता का इस्तेमाल किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री मुस्लिम बस्तियों में जाकर कह रहे थे कि गाय काटो, हम हैं जब तक कोई रोकेगा नहीं। जिस तरह से प्रचार का स्तर गिराया गया, तो भी भारतीय जनता पार्टी को 40 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। हमें लगता है जो राजनीति गंदी खेली गई, अगर नहीं होती, सीधे सीधे चुनाव होता, चुनाव आयोग, सत्ता, पैसा और गुंडा साथ में नहीं होते, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में अटल था। देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो गई है। पहले उनके बीच में तय हो जाए कि वो क्या करना है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसी भी संभावनाओं को हम नकारते नहीं हैं। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ साहिल खान, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।